गुजरात ने बचाई अपनी जान, धमाकेदार जीत के साथ चेन्नई को फंसाया। गुजरात टाइटंस की ये 12 मैचों में 5वीं जीत है और इसके साथ ही 10 पॉइंट्स के साथ टीम 10वें स्थान से उठकर 8वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को 6ठी हार मिली है, लेकिन वो अभी भी 12 पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल और साई सुदर्शन के धुआंधार शतकों के बाद मोहित शर्मा की कहर बरपाती गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही शुभमन गिल की टीम ने आईपीएल 2024 में प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कम से कम अगले मैच तक बरकरार रखा है। वहीं इस हार से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह में अड़चने आ गई हैं। अब एक भी हार उसको प्लेऑफ से बाहर कर सकती है। चेन्नई की 12 मैचों में ये 6ठी हार है, लेकिन 4थे स्थान पर ही है। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रनों का जबरदस्त स्कोर बनाया था। इसके बाद पावर प्ले में 3 विकेट लेकर गुजरात ने चेन्नई को बैकफुट पर डाल दिया, जिससे टीम कभी भी उबर नहीं सकी और 20 ओवरों में 196 रन बना सकी। इस जीत से गुजरात पॉइंट्स टेबल में 10 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर आ गई। इससे पहले लगातार 3 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर मौजूद गुजरात के लिए ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था। इसी उम्मीद के साथ कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग जोड़ी ने आते ही हमला बोल दिया। सुदर्शन ने 32 गेंदों में और गिल ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दोनों इसके बाद भी बरसते रहे और 17वें ओवर में अपने अपने शतक पूरे किए। पहले शुभमन गिल ने 50 गेंदों में सेंचुरी पूरी की, जो इस सीजन में पहली और आईपीएल में उनकी 4थी है। ये आईपीएल इतिहास का 100वां शतक भी था। इसी ओवर में सुदर्शन ने भी अपना पहला शतक पूरा किया। 22 साल के युवा बल्लेबाज ने भी 50 गेंदों में ही शतक जमाया। दोनों के बीच 104 गेंदों में 210 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई। हालांकि दोनों को 18वें ओवर में तुषार देशपांडे ने अपना शिकार बनाया और यहां से सीएसके ने वापसी की। आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने सिर्फ 1 चौका देते हुए 22 रन ही खर्चे और 2 विकेट लिए। फिर भी गुजरात 231 रन तक पहुँच पाई। शार्दुल ठाकुर को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 25 रन खर्चे। इतने बड़े स्कोर के जवाब में चेन्नई को तेज शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। टीम ने शुरुआती 3 ओवरों में सिर्फ 10 रन पर ही 3 विकेट गवा दिए। प्लेइंग 11 में लौटे रचिन रविंद्र पहले ओवर में रन आउट हुए और दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का भी खराब परफॉर्म जारी रहा, जबकि कप्तान ऋतुराज इस बार खाता नहीं खोल सके। संदीप वारियर और उमेश यादव ने इन दोनों के विकेट हासिल किए। इसके बाद आए डेरिल मिचेल और मोइन अली ने जबरदस्त अंदाज में हमला बोला।